हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग जाएंगे कूर्ग और ये पैकअप हो गया है, सब रेडी है। तो चलिए, खास बात ये है कि इस बार हम लोग हैप्पी को साथ में लेके जा रहे हैं, सो लेट्स गो। अभी हम लोग यहाँ पे है, ये रेस्टोरेंट पे उडुपी गार्डन, लोकेशन तो पता नहीं कहाँ पे है। यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के लिए हम लोग जस्ट रुके हैं और ये गाड़ी है हमारा जो गाड़ी लेके जा रहे हैं। तो मेन प्रॉब्लम है कि हैप्पी कुछ नहीं खाना खा रहे हैं यहाँ पे, पता नहीं क्यों। मैं हैप्पी को लेके बाहर बैठा हूँ क्योंकि ये लोग अंदर नहीं जाने दे रहे, क्योंकि बोल रहे हैं कि बहुत सारा कस्टमर से वो लोग डर जाएंगे। तो ये देखिए, हैप्पी हैप्पी को लेके बाहर बैठा हूँ और मेरा ब्रेकफास्ट हो चुका है। अभी टाइम है 9:45, अभी भी हम लोग यहाँ पे है और हैप्पी को ट्राई किया है यहाँ पे इडली खिलाने के लिए, लेकिन वो नहीं खा रहा है क्योंकि इडली में यहाँ पे नमक है और घर में जो हम लोग इडली उसको बना के देते हैं उसमें नमक नहीं डालते, तो नमक उसके लिए नया चीज़ है और इसीलिए वो नहीं खाया है। फिर ट्राई किया कि दूध पिलाने के लिए, थोड़ा दूध लिया, उसको डायल्यूट किया पानी दे के, फिर थोड़ा दूध पिलाया। अभी हम लोग है हसन रोड पे, घर से निकले हैं करीब 7:30 के आसपास। चेक इन कर लिए हैं और जो एक्सपीरियंस रहा, हम लोग एक्चुअली दूसरा रास्ता चूज़ किए थे, माशोर वाली नहीं दूसरी वाली, लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग गया पहुंचने में इधर। और मेन प्रॉब्लम यही हुआ, रास्ते का हाल भी ठीक नहीं है क्योंकि काफ़ी ख़राब रोड है और यहाँ पे अभी रोड का काम चल रहा है, तो गाड़ी के लिए बहुत दिक्कत हुई है डेफिनेटली। और आप लोगों को दिखाऊंगा मैं होटल, ये है होटल, होटल का नाम है रिवर नियर कूर्ग। तो ये है होटल, आप देख रहे हो जो बुकिंग कॉम से मैंने बुक की थी। पूरा ब्लॉग देखो तो I'm not afraid to die.
कर देते हैं चेक कर देते हैं चेक कर उड़ी बाबा हैं चेक वेरी गुड बॉय हैं चेक करे अब ध्यान चेक करो उड़ी बाबा मेरे गुड बॉय वेरी गुड पानी का हालत देखना है सब कुछ देखना है उसके बाद डिसाइड करना है और ये देखिए हैप्पी मेरे तरफ कैसे भाग भाग के आ रहा है क्योंकि उसको पता चल गया कि मैं यहाँ पे आ रहा हूँ हैप्पी इज़ अ गुड बॉय सो गाइज ये हैप्पी है आज हम लोग हैप्पी को लेके आए हैं यहाँ पे और ये हैप्पी है से हाय हैप्पी से हाय गुड बॉय वेरी गुड बॉय सो बैंगलोर से करीब 280 किलोमीटर ये डिस्टेंस है तो हम लोग क्योंकि मैसूर से नहीं आए हैं ये जो है दूसरा रोड रोड लेके हम लोग यहाँ पे आए हैं और अभी मैं जा रहा हूँ वहाँ पे तो चलिए दिखाते हैं तो गाइस ये जो है आप देख सकते हैं ये इसको बोलते हैं ब्लैक पेपर है ना ये ब्लैक पेपर है ब्लैक पेपर की ये देखिए जो तालाब के बारे में बात कर रहे थे ये वो है जो होटल है होटल के साइड में ही है और ये देखिए ये पैडल बोट और इसको देख सकते हैं ये मेरा दोस्त है आयन और इसका बीवी तो हम लोग सभी सब मिल के यहाँ पे आए हैं घूमने के लिए हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन गुड मॉर्निंग फ्रॉम कूर्ग सो मैं अभी भी होटल में हूँ तो कल रात में एक्चुअली सो गया था क्योंकि बहुत टायर्ड था और इतना इतना लंबा जर्नी था क्योंकि करीब 280 किलोमीटर बेंगलोर से ये डिस्टेंस है तो आपको पता होगा कि कितना टायर्ड था और उसके बाद होटल में आके खाना वाना खाया खा के रात में जल्दी जल्दी डिनर करके सो गए थे तो ज़्यादा ब्लॉग बना नहीं पाया तो खैर जो भी तो अगर ये जो होटल है अगर इसके बारे में बोलेंगे जो मैं कल बोल रहा था आप लोगों को ये जो होटल है ये कॉफ़ी प्लांटेशन के बीच में है आपको मैं दिखाऊंगा ये देखिए पीछे मेरे गाड़ी खड़ी है ये कॉफ़ी प्लांटेशन है चारों तरफ ये होटल की ये जो होटल है ये होटल रिवर नियर कूर्ग इसका नाम है और इसके चारों तरफ कॉफ़ी प्लांट है और काफ़ी शांत है मतलब आप अगर सिटी से बाहर एक दिन बिताना चाहते हो जहाँ पे कोई शोर नहीं है बिल्कुल चुपचाप शांत लोकेशन आपको अगर चाहिए तो ये होटल आपके लिए परफेक्ट होंगे तो ये है वो होटल जहाँ पे हम लोग ठहरे हैं और इतना सुनसान है आप क्या सुन सकते हो इस टाइप का सुनसान एरिया है और मुझे तो बहुत अच्छा लगा तो आप भी आ सकते हो यहाँ पे आप आइए यहाँ पे और आप लोग एंजॉय कीजिए इस मौसम को इस लोकेशन को और डेफिनेटली
ये होटल है, ये होटल को। तो गाइज और एक चीज़ जो मैं आपको बोलना चाह रहा था वो है, ये जो होटल है ये होटल काफ़ी रिमोट लोकेशन पे है। रिमोट लोकेशन बोले तो घाट सेक्शन है जहाँ पे रोड माड़ी है, एटलीस्ट लास्ट 2 से 3 किलोमीटर मेन रोड से। सो वो जो घाट सेक्शन है काफ़ी स्लॉपी टाइप का है और उसमें फोर व्हीलर लेके आना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि पहाड़ी घाट सेक्शन में अगर वो कंक्रीट नहीं होगा तो प्रॉब्लम होता है। तो हम लोग भी बहुत प्रॉब्लम फेस किए थे कल। आलू का पराठा, बहुत दिन बाद आलू का पराठा खाएंगे, साथ में है कर्ड और ये पिकल्स। तो ये भी ब्रेकफास्ट टेबल में बैठे हैं, हम दोनों अभी ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर आप लोगों को बोलते हैं फीडबैक क्या है इसका। आलू का पराठे, साथ में है पिकल्स और कर्ड। सो अभी हम लोग सीसीटी में हैं कॉफ़ी पीने के लिए, थोड़ा रेस्ट भी लेंगे। आज हम लोग जा रहे हैं दूसरा रोड से, जो गोल्डन टेम्पल के साइड का रोड है वो रोड से जाएंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पे रेस्ट ले रहे हैं और कॉफ़ी भी पियेंगे, उसके बाद थोड़ा फ्रेश होके फिर हम लोग जाएंगे इसके बाद गोल्डन टेम्पल। गोल्डन टेम्पल में जाने के बाद उधर से थोड़ा डेफिनेटली फ़ोटो वोटो खींचेंगे, थोड़ा घूमेंगे
उसके बाद जाएंगे श्रीरंगपटना, जहाँ पे कोई फोर्ट है श्रीरंगपटना, या आई थिंक सो। तो वहाँ पे जाएंगे, जाके थोड़ा फोटो वोटो खींचेंगे, फिर धीरे धीरे वापस जाएंगे, लंच करके डेफिनेटली वापस जाएंगे। तो फोटो और वीडियो डेफिनेटली लेंगे, और आप लोग डेफिनेटली वीडियो को लाइक एंड शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो फॉर मोर अपडेट्स। Stay tuned. हाय गाइस, अभी हम लोग हैं ये मोनेस्टरी, ये आप देख सकते हो इसके गेट, क्योंकि हम लोग वापस जा रहे हैं अभी बेंगलोर के तरफ। तो ये मोनेस्टरी देख के हम लोग वापस चलेंगे, और रास्ते में पड़ता है इसीलिए। तो चलिए दिखाते हैं क्या है अंदर। तो गाइस, ये है मोनेस्टरी, इसके अंदर हम लोग अभी जा रहे हैं। ये जो टेंपल है मेरे पीछे है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है देख के। ये देखिए, और एक जो बहुत बड़ा टेंपल है यहाँ पे, हम लोग यहाँ चलेंगे और देखेंगे अंदर में क्या है। काफ़ी गर्मी है अभी, देर बजे टाइम, तो चलिए आप लोगों को लेके चलते हैं अंदर में। गाइस, ये है वो मोनेस्टरी के अंदर, और काफ़ी अच्छा लग रहा है देख के, आप लोग भी आ सकते हो और इसका आनंद ले सकते हो। मैं ट्राई कर रहा हूँ जितना हो सके वीडियोस लेने के लिए। Bye.